हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को सरकार द्वारा सेवा विस्तार देने को लेकर एनएसयूआई ने विरोध जताया है। इसको लेकर आज एनएसयूआई ने चौड़ा मैदान से लेकर यूनिवर्सिटी तक छात्र आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्कामुक्की भी देखने को मिली। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक अयोग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है और अब सेवा विस्तार दे दिया गया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एचपीयू प्रशासन अभी तक 2015 के छात्रों के लिए रीअसेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोगों की बैकडोर एंट्री भी वीसी करवा रहे हैं, जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। एचपीयू प्रशासन छात्रों के पेपर भी आउटसोर्स पर चेक किए जा रहे हैं। छात्रों के मुद्दों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं है, इसलिए मजबूरन आज यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया है। सर, पहले तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है वो भ्रष्ट कुलपति को जो सेवा विस्तार दिया गया, जो अयोग्य है, विश्वविद्यालय में आरएसएस के निक्करधारी लोगों को भर्ती कर रहा है, बैकडोर एंट्री दे रहा है। कई जगह ऐसी है हिमाचल विश्वविद्यालय में जहां पे काम लगा हुआ, उद्घाटन पहले ही हो चुका है। यूनिवर्सिटी में डंगे की खस्ता हालत है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन मूर्तियों पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो मुख्यतः छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की मांगों को लेकर आए हैं, 2015 के जो छात्र हैं उनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, रीअसेसमेंट का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, और ईआरपी सिस्टम जो है, ईआरपी सिस्टम की जो धजिया उधेड़ दी है। कई जो बच्चे आज रिजल्ट अपना पता करते हैं, आज पास होते हैं, अगले दिन फिर से ओपन करते हैं तो फिर से फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय पेपर को भी आउटसोर्स कर देता है, पेपर चेकिंग को, तो क्या कार्यप्रणाली है जहाँ पे एक अयोग्य कुलपति जिस विद्यालय पर बैठेगा उस विद्यालय का बुरा हाल होगा। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का लगातार स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में जगह दे रहे हैं। हाँ जी, ये तो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। हमने पिछले दो दिन से भूख हड़ताल की थी। यहाँ पे विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है, बालूगंज से भी पुलिस मंगा रहे, सब जगह से पुलिस मंगा रहे, सिर्फ इसलिए कि ये भूख हड़ताल ना कर पाए। ऐसा नहीं है। एनएसयूआई हमेशा छात्रों के हित की मांगों के लिए लड़ती रही है, चाहे वो प्रमोट स्टूडेंट हो, चाहे वैक्सीनेशन हो। अगर ये वीसी महोदय को सेवा विस्तार वापस नहीं किया गया, सेवा विस्तार दिया गया, तो एनएसयूआई इससे भी उग्र आंदोलन करेगी। इसके बाद आने वाले समय में विधानसभा है और एनएसयूआई हमेशा तत्पर रहती है और तैयार है, बिल्कुल तैयारी के साथ और मजबूती के साथ, इससे भी बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ एक विधानसभा का घेराव करेगी।